कोरोना के नए वेरिएंट के बीच बढ़ती चिंता के बीच पीएम मोदी कर रहे बैठक, कैबिनेट सचिव भी मौजूद। दिल्ली सीएम केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील, रोकी जाए कोरोना प्रभावित देशों की फ्लाइट्स। प्रियंका गांधी आज महोबा में भरेंगी हुंकार, यूपी कांग्रेस का दावा, पीएम मोदी की जनसभा से ज्यादा जुटेगी भीड़। टमाटर के बढ़ते दामों से दिल्ली में राहत, 35 से 40 रुपए किलो तक गिरी कीमत। चौबीस घंटे में सामने आए कोरोना के 8,318 नए मामले, कल से 21.1% घट गए। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसकी वजह से बाइक पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने निजी वाहन से स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया। डॉक्टर ने एक घायल को मृत घोषित कर दिया है, जबकि दूसरे को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने इस घटना की सूचना परिजनों को दे दी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह घटना थाना कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के बबराला अनूप शहर मार्ग रेलवे फाटक की है। अलीगढ़ ताला और तालीम के लिए अपनी पहचान पहले से ही बनाए हुए हैं, लेकिन अलीगढ़ की पहचान यहीं तक सीमित नहीं रह गई। अलीगढ़ में पहले भी बहुत से अनोखे कार्यक्रम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लेकिन मतदाताओं को प्रोत्साहन करने के लिए साथ 1200 बीएलओ को संबोधित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अलीगढ़ का नाम फिर से दर्ज कराया गया है। दरअसल जिला निर्वाचन अधिकारी सेल्वा कुमारी जे के अध्यक्षता में मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगे जनपद के 1200 बीएलओ को कृष्णांजलि सभागार में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जनपद का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया गया है। ये हमारा एक स्थान पर 1200 से लेके 1500 बीएलओ के प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, और इसको हम लोग लिम्का बुक ऑफ वर्क रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं। उसके लिए उनके विटनेस भी यहाँ पे आई हुई है, एक मैडम है, और इसको दर्ज किया जाएगा और पूरी दुनिया में एक साथ इतने लोगों को इकट्ठा करके प्रशिक्षण कभी नहीं किया गया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नहीं है इस तरह का। तो अलीगढ़ जनपद इस प्रयास को कर रहा है ताकि हमारा ये नाम जो है बीएलओ को ट्रेनिंग देने का काम तो होगा ही, प्रशिक्षण का काम चल रहा है पुनरीक्षण का, उसके साथ साथ ये रिकॉर्ड भी एक बनेगा। आगे भी 2-3 रिकॉर्ड पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों को किया जाएगा। सुल्तानपुर के मोतीगढ़पुर थाना क्षेत्र के डींगरपुर बनकेव गांव से एक मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया। वहीं परिजनों को इस घटना की जानकारी हुई तो परिजनों में हड़कंप मच गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। मोतीगढ़पुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डींगरपुर बनके गांव में एक धान के खेत में एक व्यक्ति का शव पाया गया है, जिसकी पहचान राजेंद्र गुप्ता पुत्र रामफेर गुप्ता उम्र लगभग 32 वर्ष के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये अपने खेत में धान की फसल उठाने के लिए गए हुए थे और अभी कलकत्ता से 4-5 दिन पहले ही लौटे थे। वहाँ पर ये पल्लेदारी का काम करते थे। परिजनों द्वारा किसी से रंजिश नहीं बताई गई है। इस संबंध में प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि इनका किसी से संघर्ष हुआ और उसी में इनकी डेथ हुई है। परिजनों की तहरीर प्राप्त कर इस फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जम के विवाद हो गया। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, वहीं मारपीट के दौरान दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं इसको लेकर पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने आह्वान करते हुए भाजपा को हराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आने की बात कही है।
कांग्रेस नेता नजीर अहमद के आवास पर पूर्व राज्यपाल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि भाजपा के शासन में मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने AIMIM को भाजपा का एजेंट भी बताया। ये मुसलमानों के वजूद को बढ़ाने के लिए सरकार है, ये जो नागरिकता कानून बना है वो इसलिए बना खाली करने के लिए, और ये चाहते हैं कि स्पेन की तरह एक दोहराए यहाँ पे। स्पेन में 7 सालों की उम्मत की मुसलमानों ने बाद में उनका बीज मिटा दिया गया, मतलब वो चाहते हैं कि वो यहाँ अपना है। दुनिया में हिंदू मुल्क कितने रहे अब तक? अरे आप तो पूछ रहा हूँ, एक खाली मुल्क था बुरा, नेपाल एक मुल्क था जिसका ऑफिशियल मतलब हिंदू था, हिंदुज्म था। पाकिस्तान से 3 लड़ाइयाँ हुई इंडिया की, नेपाल ने एक वर्ड कभी पाकिस्तान में कंडेम नहीं किया, एक वर्ड नहीं है। चैलेंज मैं करता हूँ, नेपाल ने कभी एक वर्ड सपोर्ट नहीं किया इंडिया को। चाइना से 2 लड़ाई हुई, नेपाल ने एक वर्ड चाइना के खिलाफ नहीं कहा, एक बार इंडिया के सपोर्ट में नहीं कहा, बल्कि उसके बरखिलाफ पाकिस्तान से किया ट्रेड एग्रीमेंट, चाइना से किया ट्रेड एग्रीमेंट। और मैं जब बाहर के बाद एक बार गया पाकिस्तान नेपाल में गया, सारी मार्केट भरी हुई थी, मतलब पाकिस्तान बनाता तो कुछ नहीं, खाली बना सकता था सिगरेट, माचिस, साबुन, टूथपेस्ट, ये उनके एरिया थे। हर जगह मेड इन पाकिस्तान फॉरेस्ट किंगडम ऑफ नेपाल, टूथपेस्ट, चॉकलेट, सिगरेट, माचिस भरा पड़े थे। बुलंदशहर में थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के रानीवाला चौक में चाकुओं से गोद कर अधेड़ मजदूर की हत्या की गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले मृतक पवन का मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने पवन की चाकुओं से गोद कर बीच सड़क पर हत्या कर दी। मृतक पवन मजदूरी करके अपने घर वापस लौट रहा था, उसी दौरान आरोपियों ने युवक को पकड़कर पवन के पेट में एक के बाद एक कई बार वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। ये अभी 2-3 दिन पहले छोटे भाई से लड़ाई हुई थी, और लड़ाई कुछ नहीं थी, उसे चकला वाली गली में पीछे से पकड़ लिया था और उसके साथ जो है लूटपाट कर रहे थे। एक ने पीछे से कमर कोलिया भर रखी और दूसरा जो है इसकी जेब टटोल रहा, तो इसने हल्ला मचा दिया चोर चोर, तो इनमें मार लगा दी मुसलमान को में। अच्छा, और उसके बाद में ये लौंडा मोहल्ले में कह रहा था कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा बहुत। फिर आज क्या हुआ? आज इन्होंने वहाँ गोवर्धन मंदिर के पास आके चाकू मार गए, झड़ थी ना इतनी में मुझे पता पड़ी है, मैं तुरंत गया हूँ इसे लेके यहाँ आया हॉस्पिटल। कितने लोग थे? लगभग 2-3 लड़के थे। देखिए, खुर्जा नगर में लगभग 53 वर्षीय पवन दीक्षित नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है, चाकू की चोट पहुंचाई गई थी। पवन दीक्षित अविवाहित हैं और इनका परसों इसी बगल के मोहल्ले में रहने वाले सलमान नाम के लड़के के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें इन लोगों ने सलमान की पिटाई कर दी थी। यद्यपि इस बात की सूचना लोगों ने थाने आदि पर कहीं किसी को दिया नहीं। ताज नगरी आगरा में एयर कनेक्टिविटी को लेकर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाली वाटिका में की, जिसमें सोसाइटी ने एयर कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा की। वहीं सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने बताया कि आगरा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहले से ही डिमांड और जरूरत भी थी, लेकिन सरकार ने आगरा पर ध्यान नहीं दिया और आगरा की जगह जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो हरियाली वाटिका में कॉन्फ्रेंस हुई, बातचीत हुई और बैठक हुई, और ये बात बताया गया कि आगरा में इसकी ज्यादा जरूरत थी, लेकिन जेवर में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी को लेकर ये अहम बैठक हुई है। ताज नगरी आगरा में एयर कनेक्टिविटी को लेकर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हरियाली वाटिका में, जिसमें सोसाइटी ने एयर कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा की और इस बात की ओर ध्यान दिया कि आगरा में इसकी ज्यादा आवश्यकता थी, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनाया गया है उसकी आवश्यकता अगर आगरा में होती, आगरा में इसका निर्माण होता तो ज्यादा फायदा होता। देखिए, जो मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो आगरा की कनेक्टिविटी से संबंधित हमने बुलाई है। कल प्रधानमंत्री जी ने जेवर में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कहा है कि टूरिज़्म एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने से टूरिज़्म बढ़ता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है,
फतेहपुर तेलियानी विकास खंड के जमालपुर मवैया के वृद्धाश्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री अमरजीत सिंह जनसेवक के नाती ऋषभ सिंह ने अपना जन्मदिन मनाया, जिसके बाद वो तांबेश्वर मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने साधु संत को कंबल वितरित किए। इस मौके पर समाज सेवी युवक विकास समिति के जिला प्रवक्ता आलोक गौड़ ने बधाई देते हुए लोगों से अपील की कि सभी लोग अपना जन्मदिन उन लोगों के साथ मनाए जिनको आपके आने से खुशी मिल जाती है। फतेहपुर जनपद के जहानाबाद में कस्बा प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में कस्बे में पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त के दौरान गुजर रहे वाहन चालकों को यातायात माह के अंतर्गत उन्हें जागरूक किया गया। जागरूक करते हुए वाहन को सावधानी से चलाने के साथ साथ बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और वाहनों के अभिलेख अपने साथ रखें। पुलिस द्वारा पैदल गश्त के दौरान वाहन चालकों को सावधानी पूर्वक वाहन चलाने के प्रति जागरूक किया गया। अलीगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामघाट रोड का नाम बदलकर कल्याण सिंह मार्ग कर दिया है। साथ ही डिप्टी सीएम ने करीब 150 परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए लोकार्पण भी किया। इस दौरान अखिलेश यादव और सभी पार्टियों पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि 2022 में जब जनता का फैसला आएगा तो सभी दल बेहोश होकर अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराने के लिए पहुंचेंगे। मैंने जो कहना अभी मंच से सब कुछ कह दिया है, ना जिन्ना जी आ पाएंगे, ना अतीक अहमद आजम खान अंसारी और आ पाएंगे। जनता जिताती है, जनता भाजपा को जिता रही है, भाजपा को जिताएगी। भाजपा का कमल खिला है और वह खुशहाली का कमल है, सुशासन का कमल है, गुंडागर्दी माफियागिरी अपराध का अंत करने वाला कमल है और वह खिला रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है हम 2022 में भी 2017 दोहराएंगे। बलरामपुर के शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत महेंद्रनाथ के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा ले लिया, जिसके बाद देवीपाटन मंदिर में चल रहे भंडारे में योगी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिले के सभी विधायक और राज्य मंत्री पलटू राम भी मौजूद रहे। जहां बात करें राज्य मंत्री पलटू राम की, तो उन्होंने कहा कि महंत महेंद्रनाथ जहां नाथ संप्रदाय के मुख्य योगी रहे हैं, तो वहीं उन्होंने छुआछूत जैसी कुरीतियों को भी दूर करने की लगातार कोशिश की है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।